हेलो भैया, मैं हूं नवीन मालीवर। आज हम बात करने वाले हैं मेटियोर रॉयल इन्फिनिटी की तरफ से आने वाली बाइक मेटियोर 350 के बारे में। तो सारा डिटेल रिव्यू जो है मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को दूंगा, शेयर करूंगा। तो वीडियो में अगर आप नए हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको मैं थोड़ा सा बताता हूं इसके इंजन स्पेसिफिकेशन और थोड़ी सी ऊपरी तौर पर थोड़ी सी बातों के बारे में कि क्या कुछ आपको इसमें देखने को मिल जाता है। सामने की तरफ से सबसे पहले बात कर लूँगा तो मैं आपको LED सेटअप सारा देखने को मिल जाता है। DRL आपको इसमें देखने को मिल जाती है जो गोल साइज़ की है, और हेलोजन में ही आपको इसमें हेडलाइट देखने को मिलेगा। जो इसके इंडिकेटर है वो आपको हेलोजन में ही देखने को मिलेंगे। नंबर प्लेट एरिया जो है आपको नीचे की तरफ आपको देखने को मिल जाता है। जो इसके टायर साइज़ की बात कर लेता हूँ, सबसे पहले तो 100x90 सेक्शन के टायर देखने को मिल जाते हैं C8 के, और 19 इंचेस अलॉय व्हील के साथ में जो आती है बाइक, और डुअल चैनल ABS डुअल डिस्क आपको इस बाइक में देखने को मिल जाता है। कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। ब्रेकिंग के सस्पेंशन है वो भी आपको काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। अगर आप ऑफ रेडिंग करना चाहते हो या फिर हाईवे पे ज़्यादा रनिंग है आपकी, तो कोई दिक्कत नहीं देने वाली बाइक। दोनों ही साइड में आपको रिफ्लेक्टर वगैरह देखने को मिल जाएंगे इस बाइक में, जो कि इसके सस्पेंशन सेटअप पर। अब बात कर लेते हैं इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी की। 15.7 लीटर का इसमें आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। लगभग 16 लीटर फ्यूल इसमें आ जाता है। अब इसके बात कर लेते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो आपको इसमें टाइमिंग वगैरह देखने को मिल जाती है, गियर शिफ्ट इंडिकेटर, ट्रिप हेड, ट्रिप बी, फ्यूल गेज, और मतलब RPM मीटर, स्पीडोमीटर, कितने किलोमीटर अपनी बाइक चल चुकी है, काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो आपको इसमें देखने को मिल जाती है। ABS की यहाँ पर आपको इसमें बेजिंग भी देखने को मिल जाती है, और न्यूट्रल की बेजिंग देखने को मिलेगी। हैंडल कंसोल की बात कर लेता हूँ, तो हैंडल में आपको इंजन कट ऑफ बटन, सेल्फ का बटन मिल जाएगा, हैजार्ड लाइट के स्विच आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे, और जो ये इसका इंजन कट ऑफ बटन है वहीं पर आपको इसके मतलब चालू करने का ऑप्शन भी आपको इसमें देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं इस साइड की, तो इसमें आपको अपर डिपर स्विच देखने को मिल जाएगा, पास का स्विच देखने को मिल जाएगा, इंडिकेटर स्विच मिल जाएगा, हॉर्न का स्विच देखने को मिल जाएगा, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें जो है आपको इसमें देखने को मिल जाती है। मतलब गाड़ी आपको निराश नहीं करने वाली अगर आपने ये गाड़ी ले ली है तो। मेटियोर 350 की यहाँ पर आपको इसके टूल किट्स बॉक्स पे बैजिंग देखने को मिल जाएगी। रॉयल इनफील्ड की बैजिंग इसके इंजन पे देखने को मिलेगी। इंजन स्पेसिफिकेशन की भी बात करूँगा, उससे पहले इसके पीछे के टायर साइज और डिस्क ब्रेक की बात कर लेता हूँ। तो डुअल चैनल ABS डुअल डिस्क के साथ में ये बाइक आती है। सिंगल साइलेंसर आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। क्रोम फिनिश का बहुत कम इसमें यूज़ करा गया है, जिससे इसकी थोड़ी सी जो दिखावटी चीज़ें हैं वो इसमें कम हो जाती हैं। C8 का टायर मिल जाता है, जिसकी प्रोफाइल है लगभग 140x70 सेक्शन का टायर मिल जाता है विद 17 इंचेस अलॉय व्हील के साथ में बाइक आती है। अब बात कर लेते हैं पीछे की, तो आपको इसमें डुअल सीट देखने को मिलेगी। डुअल सीट के साथ में डुअल ग्रैब हैंडल भी देखने को मिल जाएगा। कुछ इस टाइप का लुक है बाइक का। पीछे की साइड से बात कर लेता हूँ, तो पीछे के जो टेल लाइट है वो आपको LED में देखने को मिलेगा। इसके जो इंडिकेटर है वो आपको LED में देखने को मिलेंगे। नंबर प्लेट एरिया के जो नीचे लाइट मिलता है वो आपको वाइट लाइट देखने को मिल जाएगा। रिफ्लेक्टर भी आपको इसमें देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं इस साइड की, तो इस साइड में आपको साड़ी गार्ड देखने को मिल जाएगा, जो कि सरकार की तरफ से आजकल कंपलसरी हो गया है। मतलब हर गाड़ी में आपको साड़ी गार्ड आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, या आपको इसमें फुट रेस्ट देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको सिर्फ तो काफ़ी अच्छा जो है इसका सिस्टम देखने को मिल जाता है। और अब बात कर लेते हैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशन, तो 350 cc का आपको इसमें इंजन देखने को मिल जाएगा, और पावर और RPM मतलब टॉर्क और RPM आपको इसके स्क्रीन पर शो हो रही होगी। और ओवरऑल लुक कुछ इस टाइप का है। मेटल में काफ़ी सारी चीज़ें जो है आपको इसमें देखने को मिलेगी। प्लास्टिक का यूज़ बहुत कम करा गया है, क्योंकि रॉयल इनफील्ड जो है मेटल के नाम से ही जानी जाती है। लोहा, प्योर लोहा इसमें होता है इस बाइक में। सबसे पहले तो उन लोगों की बात करते हैं कि किन लोगों को ये गाड़ी सबसे बढ़िया रहती है, तो सबसे पहले बात बता दूँ कि कंफर्टेबल जो है सिटी राइडिंग के लिए, क्योंकि छोटी बाइक है और छोटी बाइक को कहीं से भी ले जाया जा सकता है, इसलिए जो सिटी में रहते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया बाइक होने वाली है ये। कुछ फीचर्स और कुछ सेफ्टी फीचर्स की बात करते हैं, तो डुअल चैनल ABS डुअल डिस्क आपको देखने को मिल जाता है। 35 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज कंपनी क्लेम करती है। कर्वेट आपको 191 kg का देखने को मिल जाता है। लेंथ आपको 2140 mm की मिलती है। विड्थ आपको 840 mm की देखने को मिल जाती है। हाइट आपको लगभग 1140 mm की देखने को मिल जाती है। 3 ईयर स्टैंडर्ड वारंटी आपको देखने को मिल जाती है। 30,000 किलोमीटर की स्टैंडर्ड वारंटी भी आपको देखने को मिलती है। GPS नेविगेशन वगैरह की सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। मोबाइल ऐप कनेक्टेड वाली चीज़ें भी आपको देखने को मिल जाती है। काफ़ी सारे कलर ऑप्शन भी देखने को मिल जाते हैं, और कलर के ऊपर इसका प्राइस भी डिपेंड करता है। प्राइस की बात कर लेते हैं, तो लगभग इस गाड़ी जो ये कलर आप देख रहे हो इसका प्राइस है लगभग 229,000 ऑन रोड। तो ये कुछ था भाई हमारा वीडियो, और
सामने की बात करूँ तो रेडिएटर ग्रिल वगैरह आपको कुछ चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलती है। सिंगल हॉर्न आपको इसमें देखने को मिलेगा, सिंगल साइलेंसर आपको देखने को मिलेगा, दोनों ही स्टैंड आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। तो ये कुछ था भाई हमारा वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और एक और बात, अगर आप में से कोई भी भाई अपनी बाइक का या कार का रिव्यू करवाना चाहता हो तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल या फिर ईमेल के द्वारा मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता हो। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।